दोस्तों नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आपके यूट्यूब चैनल M97 स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आज आप सभी के लिए बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड नामांकन जो है उसका फर्स्ट मेरिट लिस्ट डेट जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड अध्यक्ष आनंद किशोर के द्वारा। तो आइए दोस्तों, आप सभी को यह बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि आपका जो इंटर एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो जारी होगा किस डेट को जारी होगा और कैसे एडमिशन होगा, क्या क्या प्रक्रिया है, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहना होगा, तभी जाकर के पूरी जानकारी अच्छी तरह से मिल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। उससे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन बता देना चाहते हैं दोस्तों कि वैसे स्टूडेंट जो 2021 में इंटर का एग्जाम देना चाहते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आप क्लास चालू कीजिए, अभी से हम आप सभी के बीच क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ ऑल सब्जेक्ट का PDF प्रोवाइड भी कर देंगे, क्योंकि अगर आपका एग्जाम 2021 में होने वाला है तो अभी से तैयारी में लग जाए। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इंटर नामांकन की प्रक्रिया का जो पूरी जानकारी है देने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे सभी देख पा रहे हैं कि OFSS बिहार मेरिट सूची, यानी कि दोस्तों बिहार बोर्ड इंटर प्रथम मेरिट से प्रवेश चयन सूची 2020। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है 28 जुलाई को कि आपका जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, कब जारी किया जाएगा और कब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट का एडमिशन प्रक्रिया जो है कब से शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए वीडियो को अंत तक बने रहना होगा, साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए थे वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं OFSS बिहार इंटरमीडिएट लिस्ट 2020, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB ने OFSS बिहार इंटर एडमिशन 2020 के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, OFSS बिहार इंटर 12वीं एडमिशन मेरिट लिस्ट 2020 4 अगस्त 2020 को जारी कर दी गई है। यानी कि दोस्तों आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है आपका 4 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा, आप अपने कॉलेज में जाकर के तुरंत एडमिशन करा लें, क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट लाइन में कतार में खड़े हैं, अगर आप इसमें देरी कीजिएगा तो आपका कहीं इंटर एडमिशन में कहीं पीछे ना पड़ जाए। इसलिए दोस्तों जैसा ही आपका मेरिट लिस्ट 4 अगस्त को शो करेगा आप सबसे पहले कॉलेज में जाकर के इंटर एडमिशन करवा लें। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, छात्र बिहार इंटर एडमिशन मेरिट डाउनलोड कर सकते हैं OFSS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट से tobihar.in की सह चयन सूची। यानी कि दोस्तों आप सभी को जानकारी देने वाले हैं कि आप जो मेरिट लिस्ट डाउनलोड कीजिएगा उसको कैसे प्रक्रिया के साथ आप कॉलेज में एडमिशन कराइएगा, पूरी जानकारी अगर आप ले लेते हैं तो आपको इंटर एडमिशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, जिन छात्रों का नाम मेरिट सूची में है उन्हें बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट यानी कि कक्षा 12 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवार को औपचारिक या फिर औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए OFSS बिहार इंटर प्रवेश चयन पत्र या सूचना पत्र डाउनलोड करना होगा और आवंटित कॉलेज स्कूलों को रिपोर्ट करना होगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि जैसा ही आपका मेरिट लिस्ट घोषित होगा आप वहाँ पर आवंटित कॉलेज यानी कि जो आपने कॉलेज अप्लाई किया है, स्कूल अप्लाई किया है, वहाँ आपको रिपोर्ट देना होगा और रिपोर्ट देने के बाद जो प्रोसेस है वो भी प्रोसेस देख लेते हैं कि आखिर क्या है करना पड़ेगा इंटर एडमिशन को लेकर के। OFSS बिहार प्रथम मेरिट सूची 2020, जो मेरिट सूची आपका जो है किस ढंग से दिया जाएगा तो देख लीजिए, बिहार बोर्ड 4 अगस्त 2020 को OFSS बिहार इंटर प्रवेश एक मेरिट सूची जारी करने जा रहा है। यानी कि OFSS बिहार फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2020 को बिहार OFSS की आधिकारिक वेबसाइट यानी कि OFSS bihar.in पर ऑनलाइन जारी किया जाएगा। दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये ऑफलाइन नहीं जारी होगा, ये ऑनलाइन के माध्यम से आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके कॉलेज जाकर के एडमिशन करा सकते हैं। लेकिन अब रह गई बात दोस्तों कि उसमें डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरत है, तो पूरी जानकारी मिलने वाली है। लेकिन आप सभी को बता दें दोस्तों कि जैसा ही आपका इंटर एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगा आपको स्टेप बाय स्टेप हम बता देंगे कि आपको कॉलेज जा करके क्या करना होगा। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ जो बताया जा रहा है आप देख लेते तो अच्छा रहता, लेकिन उसके लिए अंत तक बने रहना होगा। जैसा कि उम्मीदवार सामान्य आवेदन पत्र यानी कि CAF कैफ नंबर का उपयोग करके टॉस बिहार की वेबसाइट से OFSS बिहार फर्स्ट मेरिट सूची सह सूचना पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ये पहला मेरिट लिस्ट है दोस्तों जिसमें बताया जा रहा है कि जिन छात्रों ने बिहार बोर्ड से संबंध कॉलेज स्कूल में इंटर कक्षा 11वीं कला विज्ञान वाणिज्य और व्यावसायिक स्ट्रीम में प्रवेश के लिए आवेदन किया है। दोस्तों आप सभी को बता दें, विज्ञान यानी कि साइंस, वाणिज्य और व्यावसायिक स्ट्रीम में, यानी कि विज्ञान हो गया, हिस्ट्री हो गया या फिर आप कॉमर्स में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उन्हें आवंटित कॉलेज स्कूल की जांच के लिए मेरिट सूची का सह सूचना पत्र डाउनलोड करना होगा। और उसके बाद बताया गया दोस्तों, बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं मैट्रिक परीक्षा में अंक के अनुसार इंटर कक्षा 11वीं कला विज्ञान वाणिज्य और व्यावसायिक स्ट्रीम में प्रवेश के लिए OFSS बिहार
2020 की मेरिट सूची सह चयन पत्र जारी करेगा। तो जारी करेगा दोस्तों, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण तिथि है जो आपको बताया गया है आपका एडमिशन को लेकर के, इंटर एडमिशन को लेकर के, तो देख लें तो अच्छी खबर रहेगा दोस्तों। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिहार ओएफएसएस इंटर मेरिट लिस्ट 2020 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ, जो आपका डेट है वो डेट आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। जैसा कि बिहार ओएफएसएस इंटर प्रवेश 2020 के लिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ और घटनाएँ नीचे दी गई है, जिसमें प्रतिस्पर्धा जो है खजूर है दोस्तों। आप सभी को बता दें कि पहले मेरिट लिस्ट की घोषणा 4 अगस्त 2020 को की जाएगी। कितने दोस्तों? 4 अगस्त 2020 को, जिसमें दूसरी मेरिट लिस्ट की घोषणा घोषित करने जाने हेतु, इसका कोई डेट नहीं फिक्स किया गया कि आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट इस डेट को घोषित किया जाएगा और थर्ड मेरिट लिस्ट भी इस डेट को घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो को अच्छी तरह से समझ नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ एक और इन्फॉर्मेशन बता दें कि ओएफएसएस बिहार मेरिट लिस्ट 2020, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 4 अगस्त 2020 को ओएफएसएस बिहार इंटर प्रवेश फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी करेगा। तो दोस्तों आप सभी को पूरी जानकारी मिल गई है कि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है 4 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा ऑनलाइन मोड के माध्यम से। उसके बाद आप कॉलेज में जा करके अपने प्रिंसिपल से मिल करके आप इंटर एडमिशन करा लें, जितना से जितना जल्दी हो सके करवा लेने से आपकी बेनिफिट होगा दोस्तों। और आप सभी को कमेंट भी कर दें कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी से इंटर का क्लास करना चाहते हैं, उसके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।